बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम टू व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए, आमीन। मैं हूँ मरियम अकबर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का दानेदार हलवा। पैन लिया है, पैन में मैंने 3 प्याली पानी डाला है, 1 प्याली हम इसमें चीनी शामिल कर रहे हैं। जिस प्याली से आप सूजी को मापेंगे उसी प्याली से, अगर 1 प्याली सूजी है तो आप उसमें 3 प्याली पानी डालेंगे। यहाँ चाशनी हमारी तैयार हो गई है, पैन लिया है, इसमें डाला है मैंने 1 प्याली ही घी। इसमें मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप डालडा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 4 से 5 हम इसमें इलायची शामिल करेंगे, थोड़ा सा करकराएँगे इलायची को, और 1 प्याली शामिल कर रही हूँ इसमें मैं सूजी। सूजी शामिल करने के बाद हम इसे स्लो आँच पे 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे। सूजी को हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए हमारी सूजी का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब शामिल करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें चाशनी जो हमने तैयार की थी चीनी की, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसको ट्राई करेंगे हम। 1 प्याली हम इसमें शामिल कर रहे हैं दूध, हमने 3 प्याली पानी डाला था तो 1 प्याली हम इसमें दूध शामिल करेंगे। तो इस तरह ये 4 प्याली क्वांटिटी हो जाएगी पानी की, या फिर वो आप जो भी हलवा बना रहे हैं। यहाँ आप हलवे को हम ड्राई करेंगे। यहाँ पानी ड्राई होना शुरू हो गया है तो अब इसमें ड्राई फ्रूट से इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक ड्राई फ्रूट डालिएगा। मैंने लिए है नारियल, अखरोट, किशमिश, बादाम और चारों मग्स। तमाम ड्राई फ्रूट्स को शामिल करने के बाद अब हम हलवे को पकाएंगे और इसमें जितना भी पानी है वो अब इसका हम खुश करेंगे। ये हमारा दानेदार सा मज़ेदार सा हलवा तैयार हो गया। ये देखिए इसका पानी जो है वो खुश हो गया है और साइडों से ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ आपसे दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।